युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण समस्त विद्याओं के प्रवर्तक हैं। वे आदर्श, विवेक, विनय, संयम एवं सार्वभौम मूल्यों के पर्याय हैं। भारतवर्ष के वे युग युगीन गौरव हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में वे विद्यार्जन के लिए एक बालक के रूप में महर्षि सांदीपनि के पास उज्जैन आए और उज्जैन से वे जगत गुरु श्री कृष्ण के रूप में कीर्तिमान हुए और राष्ट्र में नवजागरण तथा उत्कर्ष की केंद्रीय धुरी बने। आज भी प्रभु श्री कृष्ण भारत वर्ष का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण की मालवा की 3 यात्राएं हुई हैं। पहली यात्रा विद्यार्जन के लिए, दूसरी यात्रा मित्रविंदा से विवाह के लिए और तीसरी यात्रा कुंडिनपुर से रुक्मिणी के साथ हुई। ये यात्राएं दिग्विजय संबंधी न होकर लोक कल्याण के लक्ष्य के उन्मुख थी। प्रभु श्री कृष्ण की लोक कल्याण की लक्ष्य पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रजमंडल, मेवात, हाडोत, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ, महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं हुई, परंतु उनकी यात्रा का प्रमुख केंद्र उज्जैन ही रहा। आज से कोई 5,000-5,500 वर्ष पहले लोक कल्याण के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने जो पाथे सृजित किया था, उस पाथे का पुनरावेशन और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य, संस्कृति, संस्कार, विकास के अवलोकन, संरक्षण, संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथे यात्रा का प्रवर्तन करेगी।